अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ लोकोमोशन इन प्रोटोस्टा एंड इन्वर्टिब्रेट्स। इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें हम आज अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे, दैट इज़ लोकोमोशन इन अमीबा। ठीक है, सो लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा में लोकोमोशन किस तरह से होती है, इसको हम लोग स्टडी करने लगे हैं। सो अमीबा इज़ एन हैव एन इरेगुलर शेप, इसकी कोई यू नो प्रॉपर शेप नहीं होती, इट इज़ ऑफ इरेगुलर शेप। और इसके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है, इसके अंदर लोकोमोशन होती है बाय स्यूडोपोडिया। नाउ व्हाट इज स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होता है, बेसिकली दीज आर द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सो स्यूडोपोडिया क्या होती है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। होता क्या है, साइटोप्लाज्म जिस तरफ मूव करता है वहाँ पर क्या बन जाता है, एक स्यूडोपोडिया बन जाता है। अगर मैं एक अमीबा की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिस इज ओवर स्यूडोपोडिया, क्लियर। वहाँ पर सारा के सारा क्या कर जाता है, साइटोप्लाज्म मूव कर जाता है। तो जब साइटोप्लाज्म मूव कर जाता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, दैट प्रोजेक्शन इज नोन एज स्यूडोपोडिया। ओके, जहाँ पर स्यूडोपोडिया बनेगा अमीबा भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर। तो बेसिकली स्टिल अगर आप बात करते हैं, द होल मेकेनिज्म इज स्टिल अनाउन कम्प्लीटली, तौर पर अभी भी ये डिस्कवर नहीं हुआ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन द अमीबा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लोकोमोशन इन जेलीफिश। अगेन जेलीफिश क्या है, इट इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर बेसिकली जो लोकोमोशन है वो किस तरह से होती है, प्रोपल्जन, जेट प्रोपल्जन जो मैकेनिज्म है उससे लोकोमोशन होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं अब। ओके, नेक्स्ट है, दैट इज लोकोमोशन इन जेलीफिश। ओके, सो अगर आप जेलीफिश की बात करते हो तो इसकी एक अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है, क्लियर, और उसके नीचे से क्या होते हैं, बहुत से आर्म्स निकले होते हैं। सो दिस अम्ब्रेला लाइक बॉडी इज नोन एज बेल, इसको आप क्या बोलते हो, बेल बोलते हो। और इस बेल से बहुत ज़्यादा क्या निकले होते हैं, आर्म्स निकले होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पानी बाहर से कहाँ पर आता है, पानी बाहर से आता है बेल में, क्लियर। बेल क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है फर्स्ट, बेल इज फिल्ड विद द वाटर। उसके बाद ये बेल क्या करेगी, ये बेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, बेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जब बेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इसके अंदर जो वाटर है, ठीक है, जो इसके अंदर पानी है, इसको फोर्स करेगी इनटू द आर्म्स, क्लियर, चेक करेगी, फोर्स करेगी। बिकॉज ऑफ दिस फोर्सिंग, जो ये फोर्स कर रहा है पानी को, इस फोर्सिंग की वजह से आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो जेट प्रोपल्जन, जेट प्रोपल्जन। सो व्हाट इज जेट प्रोपल्जन, द फोर्सिंग ऑफ द वाटर बाय द बेल इज नोन एज जेट प्रोपल्जन। एकदम से उसको पानी को वो फोर्स करते हो, और इस तरह से वो क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म बेसिकली किस क्लास से बिलोंग करता है, एनिलिड से बिलोंग करता है। और अर्थवर्म में हम स्टडी करते हैं किस तरह से लोकोमोशन होती है। ओके, अर्थवर्म में लोकोमोशन किस तरह से होती है, अर्थवर्म में लोकोमोशन दो तरह से होती है, इट कैन बी अकर बाय सिटी, एंड इट कैन बी थ्रू मसल्स। अर्थवर्म के पास यू नो इट हैज टू काइंड ऑफ मसल, वन इज नॉन एज सर्कुलर मसल, द अदर वन इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो ये मसल्स के थ्रू भी अपनी मूवमेंट को शो करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो शोर मूवमेंट बाय इट्स सीटा, जो इसके स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके थ्रू भी अपने मूवमेंट को क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, अर्थफॉर्म की जो बॉडी है वो होती है लॉन्ग एंड थिन। सबसे पहली बॉडी क्या होती है, उसकी लंबी हो जाती है और बहुत स्लिम हो जाती है। वो लंबी और स्लिम कब हो गई, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करेंगे, एट दिस कंडीशन होता क्या है, बेसिकली
जो longitudinal muscles होते हैं वो क्या कर जाते हैं, they relax. और जो circular muscles होते हैं वो क्या करते हैं, they contract. Circular muscles क्या करते हैं, they contract. तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो फर्स्ट मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं अर्थफॉर्म में, तो अर्थफॉर्म की बॉडी लंबी हो जाती है और थिन हो जाती है, लॉन्ग एंड थिन. और वो किस तरह से होती है, जो उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो उसके सर्कुलर मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सून आफ्टर दिस मैकेनिज्म, इसके बाद होता क्या है, उनकी बॉडी दे बिकम शॉर्ट एंड वाइड. ओके, अब बॉडी शॉर्ट होगी और वाइड होगी और वो किस तरह से होगी, इसके टोटली ऑपोजिट. उस वक्त क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या कर जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कुलर मसल्स विल रिलैक्स. क्लियर, पहले क्या हुआ, पहले आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो रिलैक्स करके, जब वो रिलैक्स किया तो बॉडी लॉन्ग होगी. अब क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉडी क्या हो रही है, शॉर्ट और वाइड हो रही है. तो इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म चलता रहता है और जिसकी मदद से क्या होता है, अर्थफॉर्म मूव करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकोमोशन इन अर्थफॉर्म. होप सो स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर होगा. अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट समझ नहीं लगा हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर.